आदाब पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदी मकरम। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। हिंदू मुसलमान बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि में मीडिया ने इस कदर देश को उलझाया हुआ है कि इन खबरों के अलावा कोई और खबरों का जिक्र नहीं होता। या तो हुकूमत द्वारा इतनी प्रशंसा की जाने वाली खबरें हमारे सामने प्रकाशित की जाती हैं जिस झूठ को हम सच मान बैठते हैं, और देश में तमाम वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात की जानी चाहिए पर हुकूमत और मीडिया उस पर बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जेएनयू में एक तरफ जहां छात्रों पर जुल्म ढाया जा रहा है उसको लेकर के तमाम बातें की जाए उतनी कम है, पर हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंग रहे। प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा भी है मॉब लिंचिंग, जिसको लेकर के तमाम लोग सड़कों पर उतरते हैं, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, पर सरकार इस कदर खोई हुई है कि उस पर लगाम लगाने को तैयार नहीं होती। और बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हम लोगों के सामने आती रही हैं और उन तमाम खबरों को हमने आपके सामने रखा है। 2017 में अगर आप लोगों को याद हो, नंद किशोर मंडल जिसकी चोरी के नाम पर हत्या कर दी गई थी और 8 लोगों ने उसे जिस बेदर्दी से मारा था उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए सभी ने देखी थी और उन तस्वीरों ने लोगों का दिल दहला दिया था और लोगों की रूह कांप गई थी नंदकिशोर की ऐसी हालत देख के, क्योंकि नंदकिशोर को जिन 8 लोगों ने मारा था उन लोगों को 2017 में गिरफ्तार किया जाता है। महज लगभग 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद नंद किशोर को इंसाफ मिलता हुआ नजर आया है और अदालत ने नंद किशोर के आरोपियों पर एक बड़ा फैसला सुना दिया है जिसको लेकर के हर तरफ कोर्ट की प्रशंसा होती नजर आ रही है। तो चलिए पहले जानते हैं कि नंद किशोर जो कि मॉब लिंचिंग का एक केस बिहार से हम लोगों के सामने आया था उसमें कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है। बिहार के भागलपुर में जनवरी 2017 में हुई मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को 25,000 रुपए का जुर्माने के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है। एक खबर के मुताबिक भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के रसुल्ला गांव में 6 जनवरी 2017 की सुबह चोरी के आरोप में उमेश मंडल के पुत्र नंद किशोर मंडल जो कि 18 वर्ष का था उसकी पीट पीट कर अधमरा कर बगीचे में फेंक दिया गया था। गंभीर स्थिति में नंद किशोर को शाहकुंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान करीब 11 बजे नंद किशोर ने दम तोड़ दिया था। पुलिस में सभी आरोपियों को दोषी पाकर 22 फरवरी 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। घटना का कारण पंचायत चुनाव को लेकर आरोपियों से विवाद बताया गया था। इसी रंजिश के कारण युवक को घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को भीड़ द्वारा हत्या करने का दोषी पाया। कोर्ट ने उम्र कैद के साथ साथ धारा 148 के 1-1 साल की सजा सुनाई। जिला कोर्ट से आरोपियों का जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी कि हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर निचली अदालत को जल्द से जल्द ट्रायल पूरा कराने का आदेश दिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 9 लोगों ने गवाही दी और गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि नंद किशोर मंडल की जिन 8 लोगों ने हत्या की थी, घेर करके मारा था चोरी के शक में, उन 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि
मॉब लिंचिंग में जिस तरह से हत्याएं आम हो चुकी हैं, जहां पहलू रगबर को इंसाफ नहीं मिलता और कुछ महज बाद ही वो लोग रिहा हो जाते हैं और उनका माला लेते हुए स्वागत करते हुए लोग नजर आते हैं, पर भले ही पहलू रगबर अलीमुद्दीन को इंसाफ मिला हो या ना मिला हो, पर नंद किशोर को इंसाफ मिला, ये एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर तो हो रहा है और हुकूमत चाहे प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को बिल्कुल भी अब बख्शा नहीं जाएगा। मैं ऐसी तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।